Hi friends, welcome back to our channel. Today we are going to start our same next topic of the same chapter, Logic2apply. So our today topic is silk. In the previous video we learned about how we get fleece and what are the steps taken during the process to make a yarn and then wool. In this video we learned about how we get silk and what are the steps taken during the process while making a silk cloth. Silk is obtained from silkworms which feed on the leaves of mulberry plant. जो सिल्क है वो हमें सिल्कवर्म इंसेक्ट से मिलती है जो फीड करता है मलबरी प्लांट पर. The rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. सिल्कवर्म का रियरिंग, उसको पालना, और हम पालते क्यों हैं ताकि हमें उससे सिल्क मिल पाए, उसे उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं. Different varieties of silk are obtained from different types of silkworms. जो सिल्क की different varieties क्यों होती हैं? क्योंकि जो silkworm insect है, वो भी different types का होता है. इसलिए different types का silkworm तो different types की silk हमें मिलती है. तो अब हम इसकी process पढ़ेंगे कि silk हमें किससे मिलती है, कैसे बनती है, finally हमें फाइनली मार्केट में पहुंचने तक कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं. इस वीडियो में हम ओनली वन स्टेप के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ से हमें सिल्क कैसे मिलती है और उसका फर्स्ट स्टेप है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म. सिल्कवर्म को पालते कैसे हैं. सिल्क मॉथ इज अ लार्ज वाइट इंसेक्ट. जो सिल्क मॉथ इंसेक्ट होता है वो लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं. कंपैरेटिवली जो छोटे कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में लार्ज होते हैं. वाइट कलर का इंसेक्ट होता है. अ फीमेल सिल्क मॉथ लेस 100 ऑफ एग्स विच आर स्टोर एट अ सुटेबल टेम्परेचर. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 100 ऑफ एग्स को लेस करती है जो कि सुटेबल टेम्परेचर फिक्स किया होता है उस पर स्टोर किए जाते हैं. These eggs hatch to produce larvae which are called caterpillars or silkworm. In egg में से larvae produce होते हैं जिसे हम caterpillars या silkworm कहते हैं. These larvae are kept in plain boxes where they feed on fresh mulberry leaves. ये जो larvae होते हैं इनको plain boxes में रखा जाता है और ये feed करती हैं fresh mulberry leaves पर. For 25 to 30 days के लिए. और क्यों रहती हैं, क्यों फीड करती हैं, ग्रोइंग साइज ताकि वो अपने साइज को ग्रो कर सके. द कैटरपिलर्स कैन सेक्रेट अ लिक्विड. अब कैटरपिलर्स भी लिक्विड सेक्रेट करते हैं और जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं. हार्ड होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइन थ्रेड, पतले पतले धागों में, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. और ये जो धागे होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं. The caterpillar covers itself completely with those fine fibers. और ये कैपिटल से जो निकलते हैं वो अपने आप के ऊपर उन्हें कवर कर लेता है, अपने आप को इस पर कवर कर लेता है और इस कवरिंग को कहते हैं कोकून. The silkworm develops into a silk moth inside the cocoon. जब उसके ऊपर कवरिंग हुई तब तो वो silkworm था, लेकिन जब उसमें से निकल रहा था इंसेक्ट तो वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट स्टेप. अब हम इसका एक साइकिल पढ़ेंगे जो कि चलता ही रहता है. तो सबसे पहले तो एक ये थी सिल्क मॉथ. ओके, ये एग लेस कर रही थी, 100 ऑफ एग लेस किए, ठीक है. तो अब इन्होंने लार्वा प्रोड्यूस किया, ठीक है. और जो वो ये देखिए, ये मलबरी लीव्स पर इनको क्लीन बॉक्सेस में रखा गया एग्स को, ठीक है. क्लीन बॉक्सेस में जहाँ पर ये मलबरी लीव्स पर फीड कर रही थी, फिर इन्होंने लार्वा प्रोड्यूस किया. जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आया तो वो हार्ड होने शुरू हो गए और थ्रेड्स बनने शुरू हो गए. अब उन्होंने उस पर पूरा कवर कर लिया. अब उस कवरिंग को कहते हैं कोकून.
अब जब उस कोकून में से सिल्कवॉर्म बाहर आएगी तो वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। एक सिल्क मॉथ होती है, जब एग लेस करती है सिल्कवॉर्म में बन जाती है, फिर अपने आप को जब कवर करती है तो फिर जब निकलती है तो वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिल्क मॉथ सिल्क वॉर्म यानी कि एक ही सिल्क वॉर्म सिल्क मॉथ बार बार, कभी सिल्क वॉर्म होगी तो कभी सिल्क मॉथ होगी, एक ही नहीं चलती रहती, जो उसने इतने सारे एग लेस किए उनकी प्रोसेस से चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वारी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस।